नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में तो आज बात करें अगर अलंकित की तो इक्कीस रुपये चालीस पैसे के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है अगेन दो परसेंट का लोअर सर्किट दिखाई दिया पिछले पाँच दिनों में साढ़े सात परसेंट की गिरावट है अगर बात करें पिछले एक मंथ की तो चालीस परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न है और हाई से लो के दरमिया स्टॉक में तक तगर, तकरीबन तकरीबन दस परसेंट की गिरावट दिखाई दे रही है छः मंथ में नब्बे परसेंट के रिटर्न है पिछले एक साल में एक सौ सात परसेंट के पॉजिटिव रिटर्न मैक्सार्ट आप सभी के सामने है तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है तो यहाँ पर आ रहे हैं कंपनियों के क्वार्टर थ्री के रिज़ल्ट और यहाँ पर अलंकित के आने रिजल्ट अब स्टॉक तो भाग गया रिजल्ट से पहले काफ़ी ज़्यादा अब लोगों को लग रहा है कि शायद यहाँ पर गिरावट हो जाए और स्टॉक में आ सकती है एक अच्छी खासी फॉल तो जिसके चलते लोग पैनिक हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है और जब भी आप देखिए किसी स्टॉक में अगर एक दो दिन लगातार लोअर सर्किट लग जाए ना तो रिटेल इन्वेस्टर तो पहले ही डर जाता है और अपने जितने भी स्टॉक्स हैं उन्हें सेल करने की कोशिश कर देता है इसमें और ज़रा पैनिक क्रिएट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोअर सर्किट लगते जाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है सबसे पहले बात तो है कि टिक के बैठिए आराम करिए क्योंकि क्वार्टर टू में कंपनी ने रेवे्यू वन फोर्टी परसेंट इंक्रीज़ दिखाया था नेट इनकम वन हंड्रेड फोर परसेंट इंक्रीज़ हुई थी और ऑपरेटिंग इनकम एक सौ पंद्रह परसेंट इंक्रीज़ हुई थी और अगर आज वॉल्यूम की बात करें तो मात्र एटी फाइव के का वॉल्यूम है जो कि नहायत ही कम है अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ स्टॉक के तो मैं आपको बता दूँ कि ये स्टॉक की सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बॉक्स में ट्रेड करता है ये एक मान लीजिए एक बॉक्स है तो इस बॉक्स में ट्रेड करेगा इसके नीचे बॉक्स में ट्रेड करेगा और जैसे एक बॉक्स को तोड़ के स्टॉक ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी रैली दिखाता है तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और जूमआउट करूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पहली चीज़ ये जो स्टॉक है पहले इस बॉक्स में ट्रेड करता नजर आया और काफ़ी टाइम तक इसी इस बॉक्स में ट्रेड करता रहा बीच में एक हाई बनाया था जिसे हम अगला रेजिस्टेंस जोन लेके चलेंगे यहाँ से जब ब्रेकआउट आया तो स्टॉक नीचे वाले बॉक्स में ट्रेड करने लग पड़ा और जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो स्टॉक चला गया सीधा ऊपर तो हल्की फुल्की तेज़ी नहीं थी स्टॉक में एक सीधी सी बात है मैंने आपको लास्ट टाइम भी आ, जब फर्स्ट टाइम स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाई थी रिसेंट टाइम में तो तेरह रुपये के अराउंड मैंने कहा था कि ये ब्रेकआउट आया है अभी यहाँ पर बाइंग करके चलेंगे इक्कीस रुपये तक स्टॉक गया ठीक है अभी सॉरी इक्कीस रुपये के ऊपर ट्रेड है तेईस चौबीस रुपये तक का स्टॉक है वो जाता हुआ नजर आया अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं पहली बात तो ये है कि स्टॉक यहाँ पर रीटेस्ट भी कर सकता है कि रीटेस्ट करके वापस से ऊपर जाएगा क्योंकि कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं डेफिनेटली ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हैं रीजन क्या है कि यहाँ पर लोग डर के सेलिंग कर रहे हैं प्रॉफिट बुक हो रहा है और कुछ भी नहीं है वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं और पिछले अगर चार पाँच दिनों की बात करें जब से गिरावट दिखाई दे रही है तो शायद से आपको वॉल्यूम की कैंडल्स दिखेंगी भी नहीं जो बार्ज आ रहे हैं ये तकरीबन पाँच बार हैं जो बिल्कुल ही नील है अगर हम यहाँ पर काउंट करके देखें तो आपको बार्स दिख भी नहीं रही होंगी तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप यहाँ पर एवरेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं शायद एक दो दिन और गिरावट हो जाए लेकिन उसके बाद वापस से बाउंस बैक आएगा इन केस अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो उन्नीस रुपये पचहत्तर पैसे का एक मेजर लेवल होने वाला है यहाँ से भी बाउंस बैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है फिर भी शेयर को लेके कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें कंपनी जैसे अपने रिजल्ट अनाउंस करेगी और रिजल्ट में हल्की सी प्रॉफिट हुई तो वापस से आपको स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागता नजर आएगा तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही